वन प्रॉब्लम थ्री टाइप्स के। नंबर वन, ऐसे क्वेश्चन जिनको हम रेशोज एंड प्रोपोर्शन से सॉल्व करें। रेशोज एंड प्रोपोर्शन का फुल लेसन मौजूद है, जिसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलहाल रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा इसका जिक्र कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, फाइव मैन कैन डू अ जॉब इन 10 days, देन हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड इफ टू मैन वर्क। इसमें डेज और मैन का इनवर्स रिलेशन होगा और इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 25। तो ये आप फुल लेसन ले सकते हैं, फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। फिर सेकंड टाइप है यूनिट प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये ही आप इसी लेसन के शुरू के अंदर ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है, लेकिन इसके क्वेश्चन किस तरह से वर्क प्रॉब्लम में आते हैं ये अब हम डिटेल से देखते हैं। तो इसके लिए आप ये देखें कि एक इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वर्क प्रॉब्लम में इसके किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन पर्सन नंबर वन यूनिट प्रोड्यूस करता है 500 और टाइम इसका है 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर में ये पर्सन 500 यूनिट प्रोड्यूस करता है। पर्सन नंबर टू है जो 400 यूनिट प्रोड्यूस करता है 2 आवर्स में। ये डाटा हमें दिया गया और हमने बताना है कि 10 आवर्स में कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, जबकि ये दोनों पर्सन 10 आवर्स काम करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल वर्क है। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है और हमने यूनिट बताने हैं कि टोटल 10 आवर्स में टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले हम इनका रेट निकाल देखें। ये रेट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवर टाइम। तो प्रोडक्शन इज 500 इस पर्सन के लिए, ये पर्सन 500 यूनिट प्रोड्यूस करता है, टाइम इज 4 आवर। तो इसका रेट आ गया 125 यूनिट पर आवर। एक घंटे में ये शख्स 125 यूनिट प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरे पर्सन का रेट लें तो यूनिट ओवर टाइम इज इक्वल टू 200। ये पर्सन 200 यूनिट प्रोड्यूस करता है इन 1 आवर। तो ये अगर हम इन दोनों का कंबाइन देखें तो एक घंटे में कितने यूनिट बनेंगे, 325 यूनिट एक घंटे में बनेंगे, क्योंकि एक घंटे में ये शख्स 125 यूनिट प्रोड्यूस करेगा और एक घंटे में ये पर्सन 200 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल प्रोडक्शन एक घंटे में कितनी हुई, 325। तो 10 आवर्स में कितनी होगी, ये हमारे पास है रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टोटल प्रोडक्शन आएगी 3250, ये आंसर। इसके बाद है थर्ड टाइप है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि इस एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वाटर टैंक और इसमें एक पाइप लगा हुआ है P1 जो इस टैंक को 30 मिनट्स में फिल कर सकता है। देयर इज अनदर पाइप P2 विच कैन फिल दिस टैंक इन 20 मिनट। अब देखें, हमें डाटा क्या मिला है कि एक वाटर टैंक है जिसे फिल करना है, उसमें पाइप P1 इस टैंक को 30 मिनट में अकेला फिल कर सकता है और पाइप 2 इसको 20 मिनट में फिल कर सकता है।
आपने बताना है कि अगर ये दोनों पाइप एट ए टाइम चल रही हों, एक एट ए टाइम चला दिए जाएं, तो कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिल होने में। तो इसके लिए ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, वन ओवर टी सी इज इक्वल टू वन ओवर टी वन प्लस वन ओवर टी टू, और अगर तीसरा पाइप या तीसरा काम करने वाला भी हो तो वन ओवर टी थ्री। इसी तरीके से जितने मर्जी एजेंसी, जितना भी काम करने वाले लोग हैं, मशीन है, पाइप है, उतने ही आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें इस इक्वेशन में डाटा डालते हैं। देखिए इसमें क्या है, टी सी, टी सी कंबाइंड टाइम यानी कि दोनों का मिलकर टाइम, टी वन एक पाइप का या एक काम करने वाले का टाइम और टी टू दूसरे काम करने वाले का टाइम। तो अब हमने बताना है टी सी, तो इसलिए वन ओवर टी सी इज इक्वल टू वन ओवर 30 प्लस वन ओवर 20। तो इसका एलसीएम आ गया 60, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 60। अब हमने टी सी बताना है तो इसको रेसिप्रोकल ले लें, टी सी इज इक्वल टू 60 ओवर 5 जो कि 12 की, यानी कि ये टैंक दोनों पाइप चला दिए जाएं तो ये टैंक 12 मिनट में फिल हो जाए। अब आप देखें कि इसमें अगर मजीद पाइप भी शामिल कर दिए जाएँ तो आगे वन ओवर टी थ्री, अगर चौथा पाइप भी है तो वन ओवर टी फोर, ये इस तरह से, ये एक जनरल इक्वेशन है इसकी। अब इसी क्वेश्चन में हम एक तीसरा पाइप ऐड करते हैं जो इसको एम्प्टी कर सकते, ये पी थ्री है जो इसको 60 मिनट में एम्प्टी कर सकता है, यानी कि अगर टैंक फुल हो और पाइप नंबर थ्री चला दिया जाए तो फुल टैंक 60 मिनट में खाली हो सकता है। अब इन तीनों पाइप्स को एट ए टाइम रन किया गया तो बताएं कि फुल होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो है वन ओवर टी सी, हमने बताना है वन ओवर 30 प्लस वन ओवर 20 माइनस वन ओवर 60, क्योंकि ये अपोजिट काम कर रहा है इसलिए इसको माइनस। आप एलसीएम लें तो 2 प्लस 3 माइनस 1 4 ओवर 60। अब हमने टीसी बताना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो टी सी इज इक्वल टू 60/4, आंसर इज 15 मिनट, 15 मिनट में टैंक फुल हो जाएगा। अब यहाँ पर टैंक एक सिंबल के तौर पर यूज किया गया, ये कोई भी काम करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, मसलन एक मशीन 10 घंटे में काम करती है, दूसरी मशीन 15 घंटे में करती है, दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगी, या फिर एक पर्सन एक काम को इतनी देर लगाता है, दूसरा पर्सन इतनी देर लगाता है, दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, या दोनों मिलकर इतना टाइम लगाते हैं और एक पर्सन इतना टाइम लगाता है, दूसरा अकेला कितनी देर में काम खत्म करेगा। तो इस तरह से इसमें वैरायटी होती है लेकिन इक्वेशन यही रहेगी। अब डाटा देखें कि इसमें आपको कोई एक काम एज ए यूनिट दिया जाता है और सिर्फ टाइम चाहिए कि हमें उस काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम पता होना चाहिए, तो हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यानी कि उनका कंबाइंड टाइम निकाल सकते हैं, और अगर कंबाइंड दिया हुआ है और एक का दिया हुआ है तो दूसरे का टाइम भी मालूम हो सकता है। इसमें हमें कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है, अगर कैपेसिटी किसी क्वेश्चन में दे भी दी जाए तो हम उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये इक्वेशन सफिशेंट है अगर टाइम ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, मिस्टर कामरान कैन डू ए जॉब इन 15 आवर्स, कामरान करता है 15 आवर्स, हिज सन सन करता है 20 आवर्स। हाउ मैनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इफ बोथ मिस्टर कामरान एंड हिज सन वर्क ऑन द सेम जॉब एट द सेम टाइम। तो कंबाइन हमने टाइम बताना है कि कितने देर में ये दोनों मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं, तो हम लेंगे वन ओवर टी सी इज इक्वल टू वन ओवर 15 प्लस वन ओवर 20, और अब एलसीएम इसका कितना आएगा 60, ये हो गया 4 प्लस 3 7/60, ये था वन ओवर टी सी। अब हमने बताना है टी सी,
तो ये हो जाएगा 60/7। अब 60 को 7 से डिवाइड, अब आप देखेंगे इसमें 8 आता है और 8 वाला ऑप्शन सिर्फ बी है। लेकिन अगर हम आगे करना भी चाहें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। A tank is 3/4 full. Fill pipe A can fill the tank in 12 minutes. A के लिए 12 मिनट है इसको कंप्लीट फुल करने के लिए। दूसरा ड्रेनेज पाइप है जो इसे एम्प्टी करेगा वो है 8। अब अगर दोनों पाइप चल रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, तो इसमें हम पहले जो इसको करेंगे ये हमें दिए गए हैं फुल टैंक्स के लिए, जो टाइम दिया गया है ये फुल टैंक्स के लिए, तो इसके बाद हम 3/4 को एडजस्ट करेंगे। पहले हम सिचुएशन को डील करते हैं कि ये फिलिंग का टाइम है 12 और एम्प्टी करने का टाइम है 8। तो जाहिर है कि एम्प्टी ये तेज़ी से हो रहा है इसलिए एम्प्टी करने का टाइम हम पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि जो हमारा डिज़ायर होता है उसे पॉजिटिव रखा जाता है। तो एम्प्टी दी टैंक, तो इसलिए यहाँ से आएगा 1/TC 1/8 माइनस 1/12, यानी कि इनमें माइनस किसको रखना है और प्लस किसको रखना है ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो चीज़ पूछी जा रही है एम्प्टी दी टैंक, तो एम्प्टी करने वाले को हम पॉजिटिव रखेंगे। अब एलसीएम 24, ये 3-2 1/24, तो TC आ गया आपके पास 24। ये है फुल टैंक के लिए, जबकि टैंक हमारे पास था 3/4 फिल, तो 3/4 टाइम ले लें आप, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इज इक्वल टू 18। 18 मिनट टाइम लगेगा अगर टैंक 3/4 फुल हो उसको खाली करने, तो आंसर है ऑप्शन बी।